हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेंटल मैथ्स की क्लास थर्ड की वर्कशीट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ को चेक करने के लिए हमें मेंटल मैथ्स की वर्कशीट बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। मैंने ऑलरेडी क्लास वन एंड क्लास टू की मेंटल मैथ्स की वर्कशीट डिस्कस की है, तो आज मैं आपके साथ क्लास थर्ड की वर्कशीट डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कैलेंडर से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मंथ्स क्या बनाते हैं? मेक अ ईयर। 7 डे मेक्स अ वीक। द क्लॉक हैज डैश हैंड्स। एक क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स। अब पहले बच्चों को 2 हैंड्स बताए जाते हैं जब वो किंडरगार्टन में होते हैं या प्ले ग्रुप में होते हैं। उसके बाद जब बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता थर्ड जो हैंड होता है, सेकंड हैंड जो होता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। 30-31 डेज मेक्स अ मंथ। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम मेक्स अ 24 आवर्स। विच शेडेड मॉडल शोज अ फ्रैक्शन दैट इज इक्वलेंट टू 2/6। इस तरह से यहाँ पर पिक्चर दी गई हैं। आप इसमें से बच्चे को काउंट करके इसको सॉल्व करना होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उस उतने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया होता है फ्रैक्शन को, तो हमने उसी में से चेक करना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 पार्ट में, इट मीन्स ये नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये भी 8 पार्ट में, ये भी नहीं है 1, 2, 3। ये 3 पार्ट, ये भी नहीं है। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पार्ट नीचे हैं और 2 पार्ट शेडेड हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ईच पार्ट ऑफ द नंबर लाइन इक्वल्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लाइन। ये देखिए, आप यहाँ पर नंबर लाइन है 0 से 1 के बीच में, हमने इसको इतने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमने काउंट करने हैं कितने पार्ट में डिवाइड है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से जो भी 9th वाला, इसको किसने कितने गैप में हमने किया हुआ है डिवाइड, 1 सेंटीमीटर के गैप में किया है, तो हम 1/9 इसको हम इस पार्ट को हम चेक करेंगे। उसके बाद आ जाता है डैश हैंड मूव्स फास्टेस्ट इन ए क्लॉक। सबसे फास्ट क्लॉक में कौन सा हैंड मूव करता है? वो है सेकेंड हैंड। सेकेंड का जो होता है वो जल्दी से मूव करता है। इट इज 8 o'clock इन द इवनिंग, सो इट इज 8 AM और 8 PM। जब शाम के 8 बज रहे होते हैं तो वो AM का टाइम होता है या PM का टाइम होता है? वो PM का टाइम होता है, 8 PM। शेड 2 एरियाज आउट ऑफ 5। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं, इसमें से बच्चे को 2 बॉक्स को शेड करना है। व्हाट इज 100 मोर देन 237? 237 में बच्चे को 100 प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं ये मेंटल मैथ्स की वर्कशीट है, तो बच्चे को इसको माइंड में ही करना है, यहाँ पर साइड में नहीं बनाकर करना है जिस तरह से हम करते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जुलाई? जुलाई के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। इसको बच्चे को एक्सपेंडेड फॉर्म में ये दिया गया है, इसको कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पर 570 and 4, इस तरह से 1s की प्लेस पे 4 आएगा, 10s की प्लेस पे 7 आएगा और 100 की प्लेस पे 5। हाफ ऑफ 40 इज, 40 का हाफ क्या होता है? हाफ के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसका आंसर 20 आ जाएगा। राइट डाउन ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इस लिस्ट में से हमें ऑड नंबर्स को यहाँ पर लिखना है। हमने इसमें 1s की प्लेस के नंबर्स को देखना है कि इनमें से कौन सा ऑड है। दिस इज ऑड, सो वी राइट हियर 23 ऑड, 28 इवन, 36 इवन, 61 ऑड। ऑड नंबर एंड इनटू ऑड नंबर इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स, ऑड नंबर और ऑड नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो भी ऑड नंबर में ही होता है, उसका आंसर भी ऑड नंबर में ही आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? यहाँ पे हम बच्चे को देखेंगे कितने कितने नंबर्स का गैप है। 2 और 5 में 3 नंबर्स का गैप है, 5 और 8 में 3 नंबर्स का गैप है, 8 और 11 में 3 नंबर्स का गैप है, 11 और 14 में 3 नंबर्स का गैप है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हम उसमें 3 नंबर ही ऐड करेंगे, 14 + 3 = 17। व्हाट इज द डबल ऑफ 40? जिस तरह से यहाँ पर हमने हाफ ऑफ दिया था बच्चे को 40, यहाँ पर व्हाट इज द डबल ऑफ 40? 40 में 40 प्लस करेंगे तो 80 आ जाएगा। एड 4 + 9 + 3, हम इस तीनों को ऐड करेंगे, 4 + 9 = 13, 13 + 3 = 16 इज द आंसर। तो फ्रेंड, इस तरह से हम बच्चे को मेंटल मैथ्स की वर्कशीट के क्वेश्चन दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, तो मेरी वीडियो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल है, यूजफुल रहेगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।